गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न सिनोनिम. तो ये हमारा चैप्टर जो बेस्ड ऑन है वो सिनोनिम्स पर बेस्ड ऑन है. तो हम इस चैप्टर में सिनोनिम्स सीखने जा रहे हैं. तो दोस्तों, सिनोनिम्स को कैसे आइडिया लगाते हैं, तो इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं सिनोनिम. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सिनोनिम का. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दिया हुआ है, आप आंसर दीजिए. चैफ, चैन, इरिटेट, सेफ या जॉय. सिनोनिम, ये जो चैफ है, ये जो वर्ड है, ये शेफ नहीं है. एक होता है शेफ, सी एच ई एफ, तो ये रसोईया होता है. हमने कहा ये है चैफ. चैफ का मीनिंग जो भी है, अब आप उसके हिसाब से चैन, सेफ, इरिटेट या जॉय, इसका एक मीनिंग है, वो मीनिंग निकालिए. उसका वो एक मीनिंग निकालिए. हाँ जी, तो देखो आपने इसका मीनिंग निकाला होगा. अब मैं इसे ठीक करता हूँ आपको. ठीक है, अब मैं इसका आंसर आपको देता हूँ. तो जो चैफ का मीनिंग होता है ना बेटा, चैफ का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, दैट इज कि भाई मसलना किसी चीज़ को, इसका मीनिंग जो होगा कि मसलना, रगड़ना या इवन मालिश करना भी होता है. इसका मीनिंग मालिश करना भी. अब इस हिसाब से इसके इंग्लिश मीनिंग क्या निकलेंगे, स्क्रैच लगना है ना, स्क्रैच, रबिंग है ना, स्क्रैच हुआ, रब हुआ, रबिंग, एडीसी. तो इस टाइप से इसके मीनिंग निकलेंगे. अब जब इसके इस टाइप से मीनिंग है, तो अब पहले इनके मीनिंग ले लेते हैं एक एक करके. पहले लेते हैं इस वर्ड का चैन. चैन का मतलब होता है जंजीर, छोटा सा इजी मीनिंग, जंजीर. अगर बात करें सेफ, तो सेफ मतलब करीना का हस्बैंड, नहीं ये उस सेफ की बात नहीं कर रहा है, ये सुरक्षित की बात कर रहा है भाई. ठीक है, गलत ना समझे, भावनाओं को समझे, शब्दों में क्या रखा है ध्यान देखें. अब देखें अगला क्या कहता है, इरिटेट. जब कोई किसी को इरिटेट करता है तो उससे क्या होता है, चिढ़ना, चिढ़ना, या उससे ना, हम जब चिढ़ते हैं तो हमें उससे जलन महसूस होती है मन के अंदर, जलन. ये शारीरिक रूप से, ये मानसिक रूप से जलन. जॉय मतलब खुशी, जॉय मतलब खुशी. अगर आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इरिटेट होगा, क्योंकि इससे शारीरिक रूप से जलन है. जैसे हम बात करते हैं, अगर हमारे ब्रूज, जो ब्रूज जो देखिए, जैसे हमारे शरीर में किसी से रगड़ लग जाए, शरीर में कैसे भाई किसी से रगड़ लग जाए, कोई दीवार की रगड़, थोड़ी चोट लग जाए गाड़ी से या बाइक से, तो जो हमारे जो घसीटे लगते हैं उन्हें ब्रूज कहते हैं, उन्हें ब्रूज कहते हैं. तो उससे हमें जलन ही तो होती है. तो बस ये शारीरिक रूप से, ये मानसिक रूप से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इरिटेट. आंसर हो जाएगा हमारा इरिटेट. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है बच्चे, हाँ जी अगला लेते हैं. एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि ऑल दीज क्वेश्चंस ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, अगला है फेलिसिटी. अगला है फेलिसिटी, तो अब इसका आंसर क्या होगा, ब्लिस, ग्रीफ, मिजरी या ट्रबल.
हाँ जी बेटा, आपने देख लिया होगा, अब मैं समझा देता हूँ। बेटा फेलिसिटी जो होता है, फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स भी आपने सुना होगा। फेलिसिटेशन प्रोग्राम क्या होते हैं कि खुशी के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो फेलिसिटेशन प्रोग्राम होते हैं। तो फेलिसिटी का मतलब जो होता है वो इंटेंस इंटेंस हैप्पीनेस, जब खुशी की हद पार होती है उसे हम कहते हैं फेलिसिटी। ठीक है, तो ब्लिस का मतलब क्या होता है? ब्लिस का मतलब जो होता है वो होता है खुशी, ब्लिसफुल, इसका मतलब खुशी। ग्रीफ मतलब दुख, ग्रीफ का मतलब दुख। मिजरी मतलब कष्ट, और ट्रबल मतलब परेशानी, ट्रबल मतलब परेशानी। बेटा अगर हम बात करें, ये तीनों वर्ड तो एक ही फैमिली के हैं, मतलब ये दुख हुआ, ये परेशानी, कष्ट, बात तो एक ही है, बस अलग अलग तरीके से। जैसे भी बताते ना, रगड़ लगना, तो शारीरिक रूप से, जैसे जलन होना शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन सिनोनिम हो सकते हैं, बट एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मतलब ये वही सेम फैमिली के हो गए, मिजरी, ग्रीफ, ट्रबल, सैड, है ना, ये सेम फैमिली के हो गए। अगर इस वर्ड का एंटोनिम पूछता, अगर इस वर्ड के एंटोनिम की बात होती कि इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है, अगर इसके विपरीतार्थक शब्द की बात होती तो बेटा इन तीनों में से कोई भी हो सकता था। उस कंडीशन में इन तीनों में से हम कोई भी वर्ड ले सकते थे अगर वो इस वर्ड के किसकी बात करता, एंटोनिम की। लेकिन इस वर्ड के सिनोनिम की बात कर रहा है इंटेंस हैप्पीनेस, जब खुशी की हद बहुत ज़्यादा पार होती है, मतलब जब खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये खुशी की बात कर रहा है, तो ब्लिस भी खुशी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या कहते हैं ब्लिस, बस ये कि ये खुशी जो होती है ये मन से होती है, मन से ये भी होती है, लेकिन ये खुशी वो होती है कि जिसकी जिसके होने पर, इस खुशी के होने पर लोग सेलिब्रेट करते हैं, इस खुशी के होने पर लोग सेलिब्रेट करते हैं, बस इस खुशी के होने पर लोग मन से खुश होते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते। ठीक है, चलो, तो अगर आप इस बात को समझे होंगे, मीनिंग को, तो आंसर फेलिसिटी का आंसर हो जाएगा ब्लिस, फेलिसिटी का आंसर हो जाएगा ब्लिस। चलिए अगला लेते हैं, आंसर ग्रेव, डेड, सीरियस, स्टिल, सैड। वन वर्ड, अब बेटा देखो, मेरे भाई, मेरे दोस्त, हर जगह पर रूट, मतलब हर वर्ड रूट से नहीं बना, हर वर्ड रूट से नहीं बना, समझ रहे बेटा? जैसे अब कोई पूछे कि भाई गॉड, गॉड का मीनिंग क्या है, तो हम गॉड का मीनिंग कह सकते हैं कि भाई कोई इसे लॉर्ड कहेगा, ठीक है, कोई इसे लॉर्ड कहेगा, और कोई इसे माइटी कहेगा, है ना। तो अब ये सिनोनिम हो गए, लेकिन इसका अब रूट नहीं है, अब इसकी मीनिंग समझने पड़ेंगे कि भाई इसका मीनिंग ये और ये। जैसे अगर हम गॉड की बात करते हैं तो कोई ईश्वर कहता है, भाई कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, है ना, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, और इसी को हम कह देते हैं ईष्ट देव, इसी को हम कह देते हैं ईष्ट देव। अब ये क्या हुए, अब ये सारे के सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, अब ये सारे के सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। बस अब ये समझ रहे ना कि अगर मुस्लिम्स हैं, अपने ईष्ट देव को वो अल्लाह बोलेंगे, भगवान नहीं। हिंदुइज्म की बात करें तो वो अपने ईष्ट देव को भगवान या ईश्वर बोलेंगे, वो अल्लाह नहीं बोलेंगे। तो मतलब हम वर्ड्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, उनके मीनिंग को समझना होगा कि ये सिनोनिम है, समझ रहे बेटा, उनके वर्ड को समझना होगा कि वो किस सिचुएशन में यूज हो रहा है। तो हर वर्ड का रूट नहीं है, अब जब इस वर्ड का कोई रूट नहीं है तो वो रूट पर नहीं आएंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो रूट पर होते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब 90% 95% मान लो कि वो रूट पर होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। अब क्या होता है, उनसे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं उनसे सिनोनिम और एंटोनिम्स भी क्लियर होते हैं, ये मैं इसमें भी बताऊंगा अभी।
अभी मैं इसमें भी करवाऊंगा रूट से कुछ वर्ड्स, लेकिन जिन वर्ड का रूट ही नहीं है तो फिर क्या करा जाएगा? फिर तो उन्हें हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, उन वर्ड्स को समझना पड़ेगा, दो चार बार देखना पड़ेगा, टच में रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट पेपर सोल्व करते रहने पड़ेंगे, तो उसके बाद हमारी रिविजन आ जाएगी। देखो मैं भी क्लियर करता हूँ, इस चैप्टर को ध्यान से देखते रहें और जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बढ़िए, देखो मैं बताता हूँ। वैसे इसका समझ, अब अगला जो सेंटेंस है इसको समझते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, अब इसे समझते हैं। अब जैसे अब अगला वर्ड देखें ग्रेव, अब देखो अगला वर्ड देखें ग्रेव। अब ग्रेव के दो मीनिंग है, जैसे हमने बताया एक वर्ड के दो मीनिंग हो जाते हैं, तो यहां पर हम ग्रेव के दो मीनिंग लेते हैं। बेटा एक ग्रेव का मतलब होता है कब्र, एक ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और इसी कब्र से एक वर्ड बना ग्रेवयार्ड, जिसे हम कह देते हैं कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। भाई ग्रेव से बना तो कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड, लेकिन एक जो इस ग्रेव का मतलब होता है ना, एक इस ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, एक ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, ठीक है ना। तो अब ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, तो अब देखो इस वर्ड के दो अलग अलग मतलब मीनिंग है। अब ये कोई वर्ड रूट पर नहीं है, अब ये वर्ड कोई रूट पर नहीं है, अब हमें इसे मेमोराइज करना पड़ेगा। समझ पा रहे बेटा जी, अब इसे मेमोराइज करना पड़ेगा। अब इसके दो मीनिंग है, अब इसका मतलब या तो कब्र मानो या फिर गंभीर मानो, और वो डिपेंड करता है कि अब एग्जाम के अंदर जो चार ऑप्शन हैं, एग्जाम के अंदर जो चार ऑप्शन हैं, उन चार ऑप्शन में, उन चार ऑप्शन के अंदर वो किससे मैच कर रहा है। तो अब इन चारों वर्ड के मीनिंग देख लेते हैं। तो डेड क्या होता है, मृतक, मृतक मींस वन द पर्सन हु हैज डाइड, द पर्सन हु इज नॉट अलाइव नाउ, तो दैट डेड बॉडी इज कॉल्ड डेड, मतलब ही इज डेड मींस अब उसमें जान नहीं है, लाइफलेस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लाइफलेस डेड। स्टिल का मतलब होता है, स्टिल का मतलब, अब स्टिल के दो भी मतलब है, स्टिल का मतलब एक होता है शांत, स्टिल का एक मतलब होता है शांत, और एक स्टिल का मतलब होता है अभी भी, ठीक है ना। तो एक अब जानते हैं कि स्टिल फोटोग्राफी, सुना होगा स्टिल फोटोग्राफी, तो स्टिल फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टिल फोटोग्राफी जो हम फोटो खींचते हैं तो उसके अंदर शांति रहती है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होती, तो उसे फोटोग्राफी कहा जाता है स्टिल फोटोग्राफी। और एक स्टिल कि आई स्टिल कहता है, आई स्टिल लर्न इंग्लिश, मैं अभी भी अंग्रेजी सीखता हूँ, आई स्टिल लर्न इंग्लिश, मैं अभी भी अंग्रेजी सीखता हूँ, तो स्टिल का मतलब क्या हुआ अभी भी, और अभी भी का मतलब क्या हुआ, तो स्टिल के दो मीनिंग, यहाँ टाइम को बता रहा है, यहाँ पर वो बता रहा है एडजेक्टिव को, यहाँ टाइम पर, तो इसके भी दो मीनिंग, ठीक है ना, तो मीनिंग समझेंगे। अब सीरियस क्या होता है, अब सीरियस का मतलब क्या होता है, तो ये कहता है इसका मतलब भी अगर हम देखें तो इसका मतलब भी गंभीर होता है, इसका मतलब भी गंभीर होता है, और सैड की बात करें तो इसका मतलब होता है दुख, सैड की बात करें तो इसका मतलब होता है दुख। अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब बहुत से सोच सकते हैं जी इसका मतलब कब्र है तो डेड का आंसर ले ले, नहीं बेटा डेड इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, क्योंकि डेड को जहां पर गाड़ते हैं, डेड को जहां पर गाड़ते हैं वो हमारी जगह ग्रेवयार्ड होती है, तो मतलब दो अलग चीजें हो गई हैं, एक मृतक और एक मृतक को जहां पर गाड़ते हैं, क्लियर हुआ। तो यहां पर ये तो हो नहीं सकता, अब इसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं कि मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। अब दुख का भी, अब एक कोई मर जाता है तो भाई दुख होता है, लेकिन सिनोनिम नहीं हो सकते, तो आंसर हो जाएगा सी सीरियस। तो अब देखें, अब इनका है ना कोई रूट वर्ड नहीं है, अब इनके अंदर रूट वर्ड नहीं है, अभी मेमोराइज करने पड़ेंगे, अभी मेमोराइज करने पड़ेंगे, धीरे 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 आपको इनकी आदत होगी, लेकिन आपको सेट पेपर, प्रीवियस ईयर के सेट पेपर्स लो और उनको सोल्व करना शुरू करो, तो उसमें से बहुत से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐसे होंगे जो रूट पर आ जाएंगे, लेकिन सारे नहीं होंगे, जो सारे नहीं होंगे तो उनको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अगला लेते हैं, इन्वेक्टिव, अगला इज इन्वेक्टिव, तो इन्वेंट, अब्यूजिव, एक्सप्रेसिव, इन्विटेशन, बताइए आंसर, बताइए आंसर, इन्वेक्टिव, इन्वेंट, अब्यूजिव, एक्सप्रेसिव, इन्विटेशन,
हाँ जी रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, फोर्थ का, फोर्थ का रिप्लाई, आई एम वेटिंग। जी हाँ जी, कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। तो देखिए जैसे जनरली है ना, जनरली स्टूडेंट्स का जो आंसर होगा, जनरली स्टूडेंट्स का आंसर होगा इन्वेक्टिव, मतलब इन्वेंट करना, इन्वेक्टिव मतलब इन्वेंट करना, लेकिन ये गलत है। पता है ये बोलने में ही ऐसे लग रहा है कि मतलब राइमिंग वर्ड बनता है इन्वेक्ट इन्वेंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि यही होगा। जैसे बेटा कई बार चीजें ऐसी होती है मिलती जुलती होती है, लेकिन हमेशा उसका वो मीनिंग नहीं होता। जैसे अभी मैं पीछे वाले में हूँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर ग्रेव, पता है यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रेव, तो ग्रेव मतलब या तो कब्र या फिर गंभीर, लेकिन एक वर्ड आता है हमारा ग्रेवी। अब यहां पर वर्ड आ गया ग्रेवी, अब ग्रेवी क्या होता है, तो खाना खाते समय जो हमारे क्या कहते हैं, खाने खाते समय जो हमारा शोरवा होता है, जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है उसे ग्रेवी कहते हैं, जो लिक्विड पार्ट होता है उसे ग्रेवी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, तो अब ये क्या हुआ, इससे मिलता जुलता वर्ड हो गया। अब इससे मिलता जुलता वर्ड हुआ, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और है। तो यही बात हमारी यहां पर भी अप्लाई होती है। तो हो सकता है कि स्टूडेंट ऐसे सोचें कि भाई मिलता जुलता वर्ड है, तो भाई इन्वेक्टिव तो इन्वेंट, तो भाई आंसर ए बना दे, तो हो जाता है कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन बन जाता है। लेकिन बात बताएं तो इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। और पता है इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है, इन्वेक्टिव का मतलब होता है कि भाई किसी को डांटना, इन्वेक्टिव किसी को डांटना, किसी को फटकारना, किसी को डांटना या किसी को फटकारना, ये समझ लो, किसी को स्कोल्ड करना, इवन इसको कह सकते हैं रेप्रामेंड, किसी को रेप्रामेंड करना है ना, डांटना। अब ये कौन सा होता है, मतलब किसी की, अब किसी को स्कोल्ड कर रहे हैं, रेप्रामेंड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, फटका रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंसल्टिंग भी हो जाएगा। मतलब इनएफटी के देखो कितने मीनिंग बता दिए मैंने, ये सारे सिनोनिम हो गए, स्कोल्ड, रेप्रामेंड, इंसल्टिंग, है ना। तो ये कौन सी, ये इन्वेक्टिव हाईली, हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज, मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर किसी को क्रिटिसाइज किया गया हो, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें किसी को क्रिटिसाइज किया गया हो, किसी की आलोचना की गई हो। अब किसी की आलोचना की गई हो, तो अगर आप समझ रहे पा रहे हैं तो इसके इतने मीनिंग। तो ये इस एक्सप्रेसिव का मतलब होता है दर्शाना, मेंशन करना, दिखाना, एक्सप्रेस करना मतलब एक्सप्रेसिव मतलब शोई, शो करना, दिखाना, एक्सप्रेस करना अपने आप को, ठीक है ना, मेंशन करना। और इनविटेशन किया, आमंत्रण होता है, किसी को बुलाना,
किसी को बुलाना आमंत्रण, तो अब्यूजिव होता है गाली वाला, मतलब अब्यूजिव हो जाएगा गाली वाला। तो अगर आप किसी को भाई डांट रहे हो, हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब है आंसर अब्यूजिव होगा। आंसर क्या हो जाएगा? अब्यूजिव। अब्यूजिव इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। तो देखो कितना डिफाइन किया गया, जब इतना डिफाइन किया गया तो चीजों को दिमाग में रखें, चीजों को दिमाग में रखें, क्योंकि ये रिपीटेटिव है, बड़ा रिपीटेशन बहुत है एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जाम जब भी आ रहा है उसके लिए कोई नया शब्द तो चुनेगा नहीं भाई, कोई एग्जाम आ रहा है तो कोई नए नए शब्द तो बनाएगा नहीं, तो ऑब्वियस मतलब रिपीटिशन तो बनता है ना, रिपीटिशन होती है, सिनोनिम एंटोनिम, कोई वर्ड जो पहले सिनोनिम में आया वो हो सकता है बाद में एंटोनिम में आ जाए, क्लियर है, कोई वर्ड जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है उसे हो सकता है सिनोनिम में एंटोनिम में यूज कर दे, तो शब्द आगे पीछे घूम फिर के आ जाते हैं। ठीक है, ओके, देखें आगे डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा सिनोनिम में, डिस्क्राइब्ड, रैश, केयरफुल या मंडेन, या फिर मंडेन, बताइए। चलो अब मैं समझाता हूं। हां बेटा सन्नी सीडीएस, बेटा किसी भी एग्जाम के लिए इफेक्टिव है, क्योंकि वोकैबुलरी आती है तो वोकैबुलरी तो किसी भी एग्जाम में आएगी, तो अगर वोकैबुलरी सही है तो एग्जाम कोई भी है बेटा जी। सन्नी सिर्फ एक ही एग्जाम की नहीं, एग्जाम अगर हम कर रहे हैं अगर वोकैबुलरी अच्छी है तो एग्जाम कोई भी हो। ठीक है बेटा, तो एनडीए, नेवी, सीडीएस, एयरफोर्स सभी के लिए इफेक्टिव है। अब जरा देखो, अब मैं बात हूं मंडेन, अब आप चेक कीजिएगा पहले सेट पेपर के अंदर जो मैंने आपको करवाया, तो उसके अंदर जो मंडेन था वो एग्जैक्ट सिनोनिम में यहां पर लिखा हुआ था मंडेन। तो अब ये जो मंडेन वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? मंडेन का मतलब हो जाएगा अर्थली, अर्थली का मतलब सांसारिक, जो संसार में नॉर्मली होता है, अर्थली मतलब सांसारिक, जो संसार में नॉर्मली होता है, और जो चीजें नॉर्मली होती हैं वो अक्सर बोरिंग हो जाती हैं क्योंकि रिपीटिशन होती है, बोरिंग चीजें जो होती हैं वो चीजें जो एवरीडे हो रही हैं, वो चीजें जो एवरीडे हो रही हैं, तो इंसान जिसमें बोर हो जाता है, जिसमें एक्साइटमेंट नहीं रहता, जिन चीजों को करने में ज्यादा खुशी नहीं रहती, शांतिपूर्वक रहती है, तो वो क्या हो जाएंगे? मंडेन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? रैश का मतलब क्या हुआ? रैश का मतलब हुआ फास्ट, तेज। अगर हम रैश की बात कर रहे हैं तो अगर हम फास्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है जल्दबाजी, इसका मीनिंग हम क्या ले रहे हैं? जल्दबाजी। तो जनरली ये ऐसे यूज हो जाता है, हम अगर बात कर रहे हैं रैश, तो रैश चीजें क्या हो जाती हैं? ऐसे नहीं तो रैश ड्राइविंग, ठीक है ना, अगर हम रैश की बात करें तो क्या हुआ? रैश ड्राइविंग, रैश डिसीजन, या हम बात करें तो रैश प्रोमिसेस। तो यहां पे कहते हैं रैश ड्राइविंग, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में ड्राइविंग करना, हड़बड़ी करना, जल्दबाजी में।
बेटा यहाँ पर चल रहा है, आप अपना वीडियो देखो, यहाँ पर ऑल ओके है, आप अपना देखो, ठीक है सन्नी। और रैश डिसीजन, जो जल्दबाजी में निर्णय लिए जाते हैं उसकी बात कर रहा है। रैश प्रोमिसेस, वो प्रोमिसेस जो जल्दबाजी में किए जाते हैं, जल्दी से किए जाते हैं, ठीक है ना। तो रैश का ऐसे यूज हो जाता है, ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अगला देखिए, डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णित, जिसका वर्णन किया गया हो, वर्णित भाई जिसका वर्णन किया गया हो, जिसको डिस्क्राइब किया गया हो, जिसे डिफाइन किया गया हो, ठीक है ना, जिसको डिटेल में दिया गया हो, डिस्क्राइब्ड होता है तो इसको डिटेल्ड कह सकते हैं हम, जिसकी डिटेलिंग दी गई हो। केयरफुल क्या होगा, वो सावधान होगा, ठीक है ना। अब डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट वर्ड होता है सरकमस्टांस, सरकमस्पेक्ट, सॉरी, डिस्क्रीट के मीनिंग समझा रहा हूं, सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट में सरकम का मतलब होता है अराउंड और स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, तो चारों तरफ देखना। तो चारों तरफ अगर हम देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, चौकसी करना। तो चारों तरफ देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, निगरानी, निगरानी करना, चौकसी करना, ठीक है। तो निगरानी कर रहे हैं, चौकसी कर रहे हैं, तो मतलब कॉशस, कॉशस का मतलब क्या है, हम सावधान रह रहे हैं, है ना भाई, भाई सावधानी बरतना, कोशिश मतलब सावधान होना, सावधानी बरतना, ठीक है। तो फिर आंसर हो जाएगा इसका बी, केयरफुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी केयरफुल, डिस्क्रीट का बी केयरफुल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आ गया होगा समझ में, ठीक है। फिफ्थ का आंसर मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट, अगर कोई एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा चाहिए, अगर कोई एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा चाहिए तो आई विल, अदरवाइज तो नेक्स्ट कीजिए। हाइब्रिड, होमोजीनस, प्योर, कंपोजिट, लव, इसका मीनिंग बताइए। बोलिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ देखें, हाँ जी, तो चलो अब मैं समझाता हूं। देखो पहले तो इस हाइब्रिड को समझते हैं, हाइब्रिड, तो ब्रिड को ऐसे लो, ब्रीड, ब्रीड मतलब क्या प्रजाति है, ब्रीड मतलब क्या प्रजाति है। अब कहते हैं ना कि डॉग किस ब्रीड का है, तो उसी वर्ड से ये, इसको एक निमोनिक के रूप में लो, हाइब्रिड, ब्रीड मतलब ब्रीड, मतलब किस ब्रीड का है। तो ध्यान दो, जब कोई प्लांट या कोई एनिमल
कोई प्लांट या कोई एनिमल दैट हैज पेरेंट्स ऑफ टू टाइप्स, ऑफ टू टाइप्स या स्पीशीज। देखो इसकी पूरी डेफिनेशन लिख दी मैंने, हाइब्रिड की डेफिनेशन। कहते हैं जब, जैसे एक ऐसी मानो, ऐसी चीजें मानो कि जब दो चीज मिलकर, जब दो चीज मिलकर तीसरी चीज बना देती है, दो चीज मिलकर तीसरी चीज। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अगर ब्लैक कलर और व्हाइट कलर इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर दूं, मैं ब्लैक कलर और व्हाइट कलर इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर दूं, तो हमें ग्रे कलर निकल कर आ जाएगा, हमें ग्रे कलर निकल कर आ जाएगा। बस यही बात। तो जब दो चीजें मिलती हैं और तीसरी चीज का निर्माण होता है, तो दो विभिन्न प्रजाति के एनिमल्स या प्लांट्स जब मिलते हैं तो तीसरी प्रजाति जो बनती है, तो जो मिश्रण होता है, दैट इज हाइब्रिड। तो जिसके अंदर दो चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो दैट इज हाइब्रिड। क्लियर हो गया? अब एक एक करके समझ लेते हैं। तो जैसे आपने पूछा था कि जिस प्रकार से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को तोड़ तोड़ कर करते हैं, तो मैंने बताया हर वर्ड रूट पर नहीं है, लेकिन कई जगह चीजें आ जाती हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो कहीं पर कई बार चीजें सिनोनिम और एंटोनिम में कई बार चीजें आएंगी, कई बार उनको मेमोराइज करना पड़ेगा। कई बार हमारी चीजें रूट पर आएंगी, कई बार वर्ड रूट पर हैं, कई बार वर्ड रूट पर नहीं है। तो जैसे अब रूट वाला वर्ड आ गया, देख लो होमोजीनस। अब कहते हैं होमोजीनस का मतलब, तो होमो का मतलब क्या होता है? सेम। अब यहां पे जीन्स, जीन्स वर्ड से बना, जीन्स। तो जीन्स क्या होता है? प्रजाति। मतलब जीन्स का मतलब प्रजाति, ठीक है। और ओयूएस लगकर वर्ड एडजेक्टिव, तो होमोजीनस, तो हम इसे कह सकते हैं एक ही प्रजाति का, तो हम इसे कह सकते हैं सेम काइंड, एक ही प्रजाति के लोग, ठीक है ना, एक ही प्रजाति के एनिमल्स, एक ही प्रजाति के, सेम काइंड। या इसको हम सजातीय भी कह सकते हैं। तो देखो यहां पर चीज क्लियर हो गई। तो ये कह रहा है एक ही प्रजाति का, होमो मतलब सेम, एक ही प्रजाति का। और जब एक ही प्रजाति की बात हो रही है, जब एक ही प्रजाति की बात हो रही है, तो बताओ ये तो मिक्स चीजों की बात कर रहा है। वहां पर तो मिक्सचर हो गया, यहां पर तो मिक्स चीजों की बात कर रहा है। तो कि दो प्रकार के जब एनिमल्स आपस में मिलते हैं, तो तीसरा टाइप जो क्रिएट होता है, तो ये उसकी बात कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ये होमोजीनस। अब बात करते प्योर। तो प्योर का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में बोले तो शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या होता है? जिसमें भाई कोई मिलावट नहीं होती। यहां पर मिलावट हो चुकी है, यहां पर क्या करें, शुद्ध मिलावट नहीं होती, तो भाई ये भी आंसर नहीं होगा। और एक ही प्रजाति का है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब लव मतलब प्यार करना होता है, तो ऑब्वियस यहां पे दो टाइप के, मतलब दो अलग अलग टाइप की बात नहीं कर रहा, प्यार करने की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ये कंपोजिट। अब कंपोजिट का मीनिंग क्या होता है? कंपोजिट का मतलब ही होता है मिश्रण, ठीक है ना। कंपोजिट का मतलब ही होता है मिश्रण। या भी हम बात कर दें कि अगर हम कंपोजिट की बात कर रहे हैं और इसको ढंग से समझ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है मिला जुला, या कह सकते हैं मिलावटी, इसको कह सकते हैं मिलावटी। अगर ये बात क्लियर हो गई है, तो बेटा अब आंसर हमारा भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आंसर हमारा है बी कंपोजिट, हमारा आंसर हो जाएगा बी कंपोजिट। बाकी इसको हम संयुक्त भी कह सकते हैं, संयुक्त भी कह सकते हैं। तो कंपोजिट मिक्सचर, बिल्कुल कंपोजिट मिक्सचर का जो बात बताया, तो मिक्सचर है, तो भाई ये भी मिक्सचर ही है, तो आंसर हो जाएगा हाइब्रिड का कंपोजिट, ठीक है बेटा। तो कई बार चीजें रूट पर आएंगी, कई बार नहीं आएंगी, हर वर्ड रूट पर नहीं है बेटा, अंडरस्टैंडिंग भी है। नेक्स्ट, विंडिक्टिव, फोर्सफुल, हेल्पफुल, रिवेंजफुल, वॉचफुल। तो विंडिक्टिव का मीनिंग ढूंढिए और रिप्लाई कीजिए, विंडिक्टिव का मीनिंग ढूंढिए और रिप्लाई कीजिए।
हाँ जी, हाँ जी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। रिप्लाई कीजिए। विंडिक्टिव। तो देखो, विंडिक्टिव का मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं। कहता है वॉन्ट या ट्राई, वॉन्ट या ट्राई टू हर्ट समबडी विदाउट गुड रीजन। तो विंडिक्टिव का मीनिंग देख ले, किसी को मतलब मारना पीटना बिना किसी रीजन के, बिना किसी गुड रीजन के किसी को मारना पीटना। तो इसको हम जो कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं किसी को प्रताड़ित करना, इसको हम कह सकते हैं कि प्रताड़ित करना। प्रताड़ित करने को हम कह सकते हैं कि प्रतिशोध लेना। तो इसका आंसर कि जैसे कहता प्रतिशोध लेना, अब जैसे ही हम लिखते हैं प्रतिशोध लेना, तो अगर यह बात समझ में आती है तो आंसर हमारा रिवेंजफुल हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही प्रतिशोध है, बदला लेना, प्रतिशोध लेना या बदला लेना। बस मीनिंग सेम ही है, बाकी एफ यू एल लगकर यह एडजेक्टिव बन गया, रिवेंज, रिवेंजफुल। ठीक है, फोर्सफुल क्या हो जाएगा, जबरदस्ती। फोर्सफुल क्या बनेगा, जबरदस्ती। हेल्पफुल मतलब सहायक। वॉचफुल देख। कहता है रिलेटेड टू या रिलेटिंग टू वॉच, के वॉच से रिलेटेड है, मतलब देखने से रिलेटेड है, बस ये एडजेक्टिव। वॉच से वॉचफुल हो गया, प्रतिशोध लेना। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये। तो आंसर होगा हमारा बी, रिवेंजफुल। ठीक है बच्चे, आंसर होगा बी। अगला, ट्रायंफ। तो इसका आंसर क्या बनेगा, विक्ट्री, अटैक, फाइट, पीस। एट का रिप्लाई कीजिए। नंबर एट का रिप्लाई कीजिए, आई एम वेटिंग। ट्रायंफ, विक्ट्री, अटैक, फाइट या पीस।
देखें आप, तो यहाँ पर ट्राइम्फ का मतलब क्या होता है? ट्राइम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री का मतलब भी जीत, तो आंसर मिल गया ये रहा, ठीक है, विक्ट्री। तो आपने मैच में अक्सर देखा होगा जीतने के बाद ये साइन बनाते हैं, है ना, जीतने के बाद ये साइन बनाते हैं, तो है ना, अगर ये साइन बनाते हैं तो वो इस विक्ट्री से ही निकला, तो वी स्टैंड्स फॉर विक्ट्री, तो आंसर हो जाएगा विक्ट्री। अटैक मतलब हमला करना, अटैक मतलब हमला करना, पीस मतलब शांति। अच्छा, एक पीस जो होता है उसकी स्पेलिंग ये होती है, ये होमोनीम हो गया, पीस और पीस, पीस और पीस, तो ये पीस और ये पीस दोनों शांति, बस इसका मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, इसका मतलब है टुकड़ा, स्पेलिंग अलग है। एक फाइट मतलब लड़ना, फाइट का मतलब लड़ना, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो आंसर हमारा भी समझ में आ गया, विक्ट्री मतलब जीत, तो वी, तो जब हम मैच में होते हैं तो भाई ऐसे साइन बनाते हैं, वो इसी वजह से। नेक्स्ट, टिल्ट, टिल्ट सपोर्ट स्ट्रेटन क्रॉस स्लांट, हाँ जी, तो बेटा देखो, टिल्ट जो होता है इसका मतलब होता है झुकाव, इसे समझ लो, लीन, लीन मतलब झुकना, लीनिंग उसी से बना, या इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन झुकाव मतलब किसके झुकना, मतलब इस तरीके से, जो इस तरीके से जो झुकाव होता है, या इस तरीके से कोई चीजें झुक रही हैं, झुक रही हैं, तो उसे टिल्ट कहेंगे, ठीक है। अब बताइए, अब तो क्लियर हो गया होगा, तो देखो बेटा, इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, इसका मीनिंग भी होता है तिरछा, झुकाव, ढलान, मतलब इसका हो जाए इटैलिक। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब हम वर्ड वगैरह में कुछ लिखते हैं तो इटैलिक वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे थोड़े तिरछे हो जाते हैं, स्लांट, तो उसी को हम स्लांट कहते हैं, ठीक है ना, जो इस तरीके से तिरछे हो जाते हैं, इटैलिक वर्ड जो होते हैं उन्हें हम स्लांट कहते हैं, ओके, तो हमारा टिल्ट का आंसर हो जाएगा स्लांट। बाकी स्ट्रेटन, तो स्ट्रेटन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होना, सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट होना, सीधा। क्रॉस मतलब कि कोई चीज जा रही है उसको क्रॉस करना, पार करना, किसी चीज को पार कर लेना या क्रॉस कर लेना, मतलब किसी भी चीज को क्रॉस कर लेना, यहां से यहां किसी भी चीज को क्रॉस, पार कर लेना। सपोर्ट मतलब किसी की सहायता करना, तो फिर हमारा आंसर यही बनेगा, ठीक है, 9 का आंसर होगा डी, 9 का आंसर होगा बेटा डी, ठीक है। अगला लेते हैं, टेसिटर्न। अब ये वर्ड रूट पर है, ध्यान दो, ये वर्ड रूट पर है और ये मैंने आपको वर्ड पार्ट मेड इजी में करवाया हुआ है, ये टेसिटर्न, ये वर्ड रूट पर है, तो इसका आंसर रेटिसेंट, फ्लेगमेटिक, टॉकेटिव या प्लेसिड।
देखें इसका मैं बताऊं, अब देखो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, एक लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है टेसिटस, जिसका मतलब होता है साइलेंट। टेसिटस का मतलब होता है साइलेंट, तो बेटा इसका मतलब ही ये होता है, टेसिटन का मतलब अल्पभाषी। तो टेसिटन का मीनिंग क्या हुआ, टेसिटन का मतलब हुआ अल्पभाषी। अल्पभाषी मतलब, अल्प मतलब कम, जो कम भाषा का इस्तेमाल करे, कम का, ना के बराबर बोले, ना के बराबर बोले, तो इसको हम अल्पभाषी को जो कह सकते हैं, मौन भी कह सकते हैं समटाइम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम स्पीचलेस भी कह सकते हैं, स्पीचलेस भी कह सकते हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्पीचलेस के साथ साथ म्यूट भी कह सकते हैं, और जो कम बोलते हैं उनको अनफ्रेंडली भी कह सकते हैं, जो कम बोलते हैं उनको हम अनफ्रेंडली भी कह सकते हैं। तो देखो इसके कितने मीनिंग बन गए, अनफ्रेंडली, स्पीचलेस, म्यूट, मतलब टेसिट किससे, साइलेंट, साइलेंट वर्ड से बना ये टेसिटन। तब ढूंढो क्या आंसर होगा, ढूंढो क्या आंसर होगा जल्दी, अब तो मैंने इतना बता दिया, अब आंसर बताएं। चलो एक वर्ड और क्लियर करता हूं, यहां पे फ्लेगमेटिव, तो बेटा ये ग्रीक वर्ड से बना, एक ग्रीक वर्ड से वर्ड बना ग्रीक लैंग्वेज का, फ्लेग्मा, जिसका मतलब होता है कोल्ड। तो बेटा फ्लेगमेटिक क्या हो जाएगा, वो चीजें जो एकदम कोल्ड, काम है, शांत है, तो कोल्ड, और जो चीजें शांत है ना वो स्लो हो जाती हैं, तो शांत और स्लो चीजों को, मतलब ठंडी और स्लो चीजों को फ्लेगमेटिक कहते हैं। अब निकालो और आइडिया लगाओ, देखो दो मैंने बता दिए, तो क्या इसका ये मीनिंग बनेगा, ये किस ग्रीक लैंग्वेज से, तो देखो ये किससे निकला, ये रूट वर्ड से बना, ये बना रूट वर्ड से, ठीक है। तो देखो प्लेसिड ये होता है शांत, मतलब एकदम काम, ये होता है नॉट एक्साइटेड, नॉट इजीली एक्साइटेड, हम इसे ऐसे बोलेंगे, नॉट, नॉट इजीली एक्साइटेड, जो इजीली एक्साइटेड नहीं होता, चीजों से एकदम उत्तेजित नहीं होता, तो मतलब ये भी नहीं हुआ। तो टॉकेटिव क्या होता है, बातूनी, चटी, चैटरबॉक्स, ये क्या बनेगा, चटी, चटी कह दो, चैटरबॉक्स कह दो, जैसे लोकेशियस कह दो, तो क्या क्या मीनिंग निकल रहे हैं टॉकेटिव, चटी, चैटरबॉक्स, लोकेशियस, तो आंसर हो जाएगा रेटिसेंट। तो देखो इसके अंदर टेसिट आ रहा है ना, टेसिट, तो बेटा टेसिंट, तो बेटा सेम रूट पर बन रहे हैं, तो आंसर यही है, मौन रहने वाला, चुप रहने वाला, मौन रहने वाला, या इसे हम कह सकते हैं कम बोलने वाला, या हम इसे कह सकते हैं कम बोलने वाला, या हम इसे कह सकते हैं कम बोलने वाला, हां जी, तो आंसर हो जाएगा रेटिसेंट। तो बेटा ये टेसिट, इसके अंदर भी टेसिट और इसके अंदर भी टेसिट, ये सेम रूट पर आ गए, क्लियर हुआ। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी, समझ में आई होगी, वैसे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो कर लेना, लेकिन आप इसको मतलब हमारा जो चैनल है उसको दूसरों को भी रेफर करें, ठीक है, और जुड़े रहें हमारे साथ, सीखते रहें, ठीक है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।